यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिदरा सत्ती और विजन स्पेशल में मैं आज आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ हैंगआउट इस्लामाबाद एचेट में, जहाँ पर असद रफ़ी विजन और माइक्रोनॉक्स के सीईओ हैं। आज ट्रेनिंग और वर्कशॉप का उन्होंने इनेकाद किया है, जहाँ पर वो बिज़नेस में होने वाले चैलेंजेस पर बात करेंगे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे अपना नया प्रोजेक्ट जो है वो और अपना नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना है मार्केट में, और किस तरह से मार्केट में कॉम्पटिशन को फेस करना है, किस तरह से जो है वो अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है। यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वो सर्टिफिकेट्स लिए हैं, दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। हम उनसे भी बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें कैसे महसूस हुआ, तो चलिए देखते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान नसीर साहब, जिन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन में जो है वो सर्टिफिकेट विन किया है। इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। इनसे जानते हैं इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, बताइएगा कि आज के इवेंट के हवाले से आपने ये जो ट्रेनिंग अटेंड की है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू द टीम हु एक्चुअली मेड दिस इवेंट पॉसिबल। असद रफ़ी बीइंग हिमसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्पिटेड पर्सन। आई फील रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे, और मैं आके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी हुआ। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे पहले मालूम नहीं थी और मुझे चीज़ें पता चली, तो आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन माय नॉलेज। और प्लस द सेशन वाज रियली इंटरैक्टिव। इसमें फॉर द एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अभी अपना स्टार्टअप किया है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के सेशंस अटेंड करें। एंड आई थिंक आई एम द राइट प्लेस राइट नाउ, और एंड आई होपफुली कि जो चीज़ें मुझे पता चली आई वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इन माई वेंचर। उस्मान, ये भी बताइएगा कि आपने ट्रेनिंग अटेंड की, कहाँ आपको लगा कि बेहतरी आनी चाहिए थी और कहाँ आपको लगा है कि ये एरिया जो है वीक है? मतलब उन्होंने जो आपकी ट्रेनिंग दी, आप थ्रू अभी जो बिज़नेस कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, डू यू थिंक कि वो चीज़ें आप मिस कर रहे थे एंड यू लर्न फ्रॉम हियर? एग्जैक्टली द पॉइंट इज़ के आप ऑब्वियसली उनका एक एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, तो आई वॉज एट द वेरी फ्यू पॉइंट्स मुझे ये चीज़ों पर लगा कि वो चीज़ें हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके वी कैन एक्चुअली बी मोर फ्रूटफुल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे होते हैं बास टाइम पे, लेकिन वो बहुत बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होती है उन चीज़ों की। तो आई थिंक आई हैव लर्न एन लॉट एंड आई विल डेफिनेटली वांट टू इंप्लीमेंट इन माय वेंचर एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस शीबा अथर, जिन्होंने बेस्ट आइडिया सर्टिफिकेट विन किया है। इनसे पूछते हैं इनके तासुरात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस शीबा अथर, ये पहले बताएं कि कैसा महसूस कर रही हैं, आज आपने ट्रेनिंग अटेंड की, कितनी हेल्पफुल थी? जी, ये बहुत हेल्पफुल सेशन था, और आई थिंक कि असद रफ़ी साहब ने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं वो हमसे शेयर की हैं, एंड इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। डू यू थिंक कि आप अपने बिजनेस में पहले जो आइडियाज़, आपके जो भी स्ट्रैटेजी थी और यहाँ पे जो आपने स्ट्रैटेजी सीखी है वो इम्प्लीमेंट करेंगी? मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लैक कर रही थी, मतलब वो एरिया आप कवर होगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि एज एन बिजनेस लेडी मैं मिस कर रही थी, और मैं समझती हूँ कि इनको जैसे ही मैं अपने बिजनेस में एड अप करूँगी तो यकीनन इंशाल्लाह इट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस और अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं फुरकान अली साहब, जिन्होंने स्पेशल आइडिया का जो है वो सर्टिफिकेट विन किया है। इनसे इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान साहब, ये बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं, आपने आइडिया पे जो है स्पेशल आइडिया पे सर्टिफिकेट विन किया है, क्या आपने सीखा है, क्या आप समझते हैं कि ट्रेनिंग आज की जो आपने ली है वो कितनी मुफीद है? हाँ माशाल्लाह, बहुत मज़ा भी आया, बहुत मुफीद हुई। हमारा तो आइडिया ये था कि डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए आरामदेह और मखसूस किस्म के जूते बनाए जाए, ताकि उनके पाँव के जितने भी मसाइल है वो उनको पेश ना आए और उनको मुश्किल का सामना ना हो। तो हमारा चूंकि एक लोगों की खिदमत का भी जज्बा है,
اور ایز اے بزنس بھی ہے. تو یہاں پہ آ کے اسد رفیع صاحب کا ٹریننگ لے کے اور بھی بہت سے آئیڈیا ملے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایز اے اوبیڈینٹ ہو کے بزنس کرنا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکسٹرا بھی دینا ہے, اور اس طرح کے اور مارکیٹنگ پلانز جو انہوں نے بتائے بہت مزہ آیا اور بہت فائدہ ہوا. انشاءاللہ آپ اس کے مطابق کام کر کے پاکستان کے اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا آپ بتائیے گا کہ آپ نے ٹریننگ اٹینڈ کی آج, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پہلے تو اپنا نام بتائیے گا, آپ کا نام کیا ہے؟ عزیز الرحمٰن. عزیز الرحمٰن صاحب آپ بتائیں, آپ نے کیسے محسوس کیا؟ ٹریننگ بہت بہتر رہی کیونکہ ہم نے ابھی انیشلی اسٹارٹ لیا ہے نیو بزنس کا, تو اس کے لیے کیونکہ بیسک ہمیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی ضرورت تھی, جو یہاں آ کے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ واٹس دا وی ہیو اینڈ واٹس دا پیپل وانٹ اینڈ واٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی وی ہیو ٹو فالو دا اسٹیپس آف دا بزنس. تو اس کے لیے ہم نے جو بھی چیزیں سیکھیں یہاں پہ اس کو مارکیٹ میں جا کے امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہی ہمیں اس کا رزلٹ نظر آئے گا کہ واقعی ٹریننگ لینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور پریکٹیکلی بزنس کو گین کریں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ویورز آپ نے جیسے کہ سنا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے ونرز نے آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو مفید باتیں بتائی ہیں, انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کس طرح سے انہوں نے ٹریننگ میں لرن کیا اور راسا صاحب کی دی گئی ٹریننگ سے وہ کس طرح سے فیضیاب ہوئے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں سجدہ ستی آج کے اسپیشل پروگرام سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ.